पंजाब और सिंध असेंबली में मखसूस सीटों का नोटिफिकेशन जारी। नून लीग को पंजाब असेंबली में खवातीन की 36 सीटें मिल गई। पीपल्स पार्टी को 3, काफ लीग को 2 और IPP की 1 खसूसी निशिस्त होगी। 5 अकलियती सीटें भी नून लीग के नाम। सिंध में MQM की 6 और GDA की 1 खातून रुकन मुंतखब। मुतहदा को 2 अकलियती सीटें भी मिल गईं। पंजाब असेंबली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। 9 मुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। नून लीग 137 जनरल नशिस्तों के साथ ईवान में सबसे बड़ी जमात। 19 आजाद अरकान भी मुस्लिम लीग नून में शामिल। तहरीक इंसाफ के हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर। नामजद वजीर आला मरियम नवाज ने सुबह 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया। मुबैना इंतखाबी धांधली के इल्जामात। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। रावलपिंडी डिवीजन के किसी रिटर्निंग अफिसर को किसी की हिमायत या मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। रिटायरमेंट की वजह से दबाव में था। PTI के एक रहनुमा के बहकावे में आकर बयान दिया। 9 मई वाके के बाद लाहौर में रूपोश रहनुमा से राबते में था। तमाम जिम्मेदारी कबूल करते हुए हुकाम के सामने सरेंडर करता हूँ। लियाकत चट्ठा का बयान। एडिशनल IG लीगल की साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ गैर मामूली दफात के तहत इंतहाई सख्त कार्रवाई की सिफारिश। मरासला वजारत दाखिला को भिजवा दिया गया। लियाकत चट्ठा के खिलाफ कार्रवाई के लिए दस्तावेजात जमा करने का सिलसिला जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस रियासत के खिलाफ मुजरिमाना साजिश करार दी जाएगी। मजहब के खिलाफ जुराइम से मुतालिक मजमुआ ताजीरात की दफात खत्म करने का तासुर बेबुनियाद। एक फैसले पर गलत फहमियां पैदा की जा रही हैं। अदालत ने दूसरी आईनी तरमीम से इन्हराफ नहीं किया। इस्लामी अहकाम और आईनी दफात को मलहूज रखकर मुलजिम की रिहाई का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी।